वेलकम टू पैशनप्रेन्योर सक्सेस स्टोरी वैद्य समीर परांजपे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि यू नो यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस, हु यू आर, व्हाट यू डू, प्लीज शेयर। आई एम वैद्य समीर मुकुंद परांजपे, प्रैक्टिसिंग, हैव बीन प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद सिंस 12 इयर्स इन विलेज in Konkan district, Ratnagiri, Dapoli. When I started my practice here in village, remote place, it was very difficult to say people that I am a vaidya, because people were not knowing what is vaidya. So I practiced allopathy for 1 year as a doctor, then I shift to Ayurveda, and now for last 12 years I'm practicing Ayurveda. I have been practicing Ayurveda, and now I'm on mission to treat and transform 10 million middle-aged women above 40 years facing perimenopausal or menopausal, postmenopausal challenges with the help of holistic approach of Ayurveda to make them happy and healthy. That's all. Wow, this is super inspiring. Thank you so much for sharing this powerful mission also of yours. And really congratulations on your progress. Yep. And we have seen your journey, the way you have evolved over the period of time, and you are very passionate about what you are doing. So can you briefly describe the challenge or problem you were facing before you joined the Passionpreneur Mentorship? अभी क्या है, मैं जब यहाँ प्रैक्टिस शुरू की थी तो कोई एम्बिशन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, घर संसार चलाना है, खेती बाड़ी है, ऐसे ही चलता था और कोई एम्बिशन नहीं। तो पहले मुझे नॉट एम्बिशियस, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, किसी के साथ बोलचाल नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, ऐसा था मैं। और ग्रैटिट्यूड नाम का वर्ड ही मुझे पता नहीं था। जब मैं पहले जो 99 वाला जो 3 घंटे का जो प्रोग्राम सर का किया ना, उस टाइम ग्रैटिट्यूड क्या होता है, उसके बाद धर्मेंद्र कुमार सर का पूरा सेशन 1 महीने का, उसमें ग्रेटिट्यूड में जिया, मैजिक बुक मेरे लिए अब भगवद गीता समान है। तो वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड ही नहीं था पहले। हैप्पी गो लकी पर्सन था मैं, अपने आप पढ़ाई हो गई, बाद में शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर है, गाड़ी है, अपने आप सब आ रहा है। तो कुछ करके ऐसे अब वो सब एक कौन सा मोड होता है, वो कंपल्सिव मोड, उस मोड पे गाड़ी चल रही थी और उसमें खुश था। कॉलेज का नौकरी था, एज असिस्टेंट प्रोफेसर आई वर्क फॉर 8 इयर्स इन आयुर्वेदिक कॉलेज नियर बाय। तो ऐसा लेजी था कुछ, और एक्शन टेकर, मैसिव एक्शन के वर्ड से पता नहीं थे। कैमरा कॉन्शियस था बहुत, वो तो मैंने मेरे वीडियो में बहुत बार वो बोला है पहले। और इंग्लिश भी मेरा पुअर था, अभी भी है, लेकिन एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ना, वो ज्वाइन करने का मेरा फर्स्ट रीजन क्या था, 3 घंटे के लिए मैं अच्छा इंग्लिश सुनूं इंडियन आदमी से, बस इंडियन बस। दैट्स व्हाई आई ज्वाइन वेबिनार फॉर 3 आवर्स एंड देन आई स्टेड फॉर लास्ट 4 मंथ्स 5 मंथ्स इन द प्रोग्राम एंड नाउ आई एम आई थिंक आई एम अ ड्रीम स्टूडेंट। Of course you are, there is no doubt, and I love the way you know you have grown and very authentically you know you shared everything with us ki main actually main us mode pe tha jahan theek hai life chal rahi thi, cheeze ho rahi thi, but it was not, you know, ye words hi nahi pata the, ye cheeze hi nahi pata thi ki acha massive action bhi lena hota hai, and yes. And very authentically what you shared, acha chalo main khali ek ye bhi को शायद तो आई थिंक मुझे अच्छा लगेगा, बट आई थिंक आप डेफिनेटली, आप जिस भी रीजन से आपने जब ज्वाइन किया यू नो, तो हम एक्चुअली जानना चाहेंगे कि एक तो आपने देखा और जो आपको समझ आया आपने उस हिसाब से ज्वाइन किया, बट एक कोई मोटिवेशन क्या था कि अरे ना मेरे को तो जब आपने 3 डेज किया तो फिर उसके बाद 4 मंथ्स में मास्टरमाइंड अटेंड करने के लिए, पैशनप्रेन्योर मास्टरमाइंड मेंटरशिप अटेंड करने के लिए आपने क्या ऐसा मोटिवेशन आया कि अरे मुझे तो ये करना चाहिए, क्यों? जब वो पेन जो है ना, वो अब इंक्रीज होता है ना, कि हमें ये पता नहीं, ये नहीं आ रहा है,
ये कंपल्सिव मोड पे कितने देर चलोगे, कुछ डिजाइन भी होना चाहिए। और मेरे लगातार 1-2 साल से मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि मैं सिर्फ एक वैद्य जी किसी विलेज में ऐसे छुप के बैठा हूँ और ये जो कुछ कर रहा हूँ वो काफी नहीं है। एक किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब वैद्य था, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। एक अच्छा मिसाल कुछ आगे आने वाले सालों में मैं सब लोगों के सामने रख सकूं। और वैद्य हमारे एक सर जो गाइड है, एमडी गाइड, वो हर बार बोलते थे, उसका मुझे मीनिंग उस टाइम नहीं समझ रहा था अच्छी तरह से। ही वुड से वैद्य शुड नॉट बी इडियट। वो किसी भी ऐसे स्टूडेंट को बोलते थे, वैद्य शुड नॉट बी इडियट। कपड़े कौन से भी पहने हुए, चप्पल पाँव में अच्छी नहीं है, कैसे भी रहते थे बच्चे, स्टूडेंट जब होते थे, एमडी कर रहे थे, पूरा ध्यान हॉस्पिटल में और पेशेंट में। तो उनका रहन सहन, उनका इतना, डायरेक्टर पोस्ट पे थे वो हमारे गाइड, और उनका पर्सनैलिटी इतना जबरदस्त है। और हमें वो हर बार बोलते थे, जब बहुत सारी चीजें मेरे जो गाइड है वो जो बोलते हैं वैसे की वैसे देव सर के मुंह में से मैंने सुनी ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अरे यार मुझे ये सब इम्प्लीमेंट करना चाहिए बस। और वो मैंने ज्वाइन कर दिया। कहीं ना कहीं जाके बड़ा सोचने वाले लोगों के बीच में मैं बैठू। अभी पीपीआईसी में जब मैं बैठा हूँ ना, तो सबसे छोटा आदमी मैं हूँ पीपीआईसी में। और वो देव सर ने बोला था कि एक एक स्टेप जब आगे जाओगे तो एज अ ब्रोक पर्सन जाके बैठना और सुनना, बस अपने आप ऊपर जाओगे। वही मैं कर रहा हूँ। Beautiful. This is such a profound learning that you shared. And of course, like Gurudev always says, अगर आप उस रूम में स्मार्टेस्ट हैं तो आप गलत रूम में हैं. And like how Gurudev has also learned and shared those techniques with us. And I think the way you are growing and the way आपको जो value भी मिली mentorship में, of course आपने share भी की. I would say it's very beautiful to hear. That you know you're growing and you know whatever your maybe you know like gurus they shared something with you and when you heard the same thing from Gurudev and you were like oh ये तो करना है because ये करके ही हासिल होगा right तो ये खाली सुनना नहीं है ये करना है and you started doing that right so what specific part of our program did you find most beneficial जो आपको लगा कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है और क्यों ऐसा लगा आपको सर ने जब कंटेंट बनाने के लिए बोला ना कि कैमरा कॉन्शियस नहीं रहना है, ये सब शायनेस वगैरह छोड़ के निडर होके प्रेजेंट करना है, तो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। और यूट्यूब चैनल में पहले मेरी स्टोरी डाली, जो पर्सनल स्टोरी मेरे माँ की है, हाँ और उसके लिए मुझे कुछ पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, जो मेरे को था मालूम वो मैंने बता दिया। और वो राइट स्टोरी इतनी चली कि 1-4 महीने में वो कनेक्ट हो गई लोगों से, और जो मेरा मिशन है वो लोगों को पता चला। और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो अपने आप उस कंडीशंस के लिए पेशेंट मेरे पास आने लगे, डायबिटीज हाँ के, थायराइड के, पेरिमेनोपॉजल पीरियड में बहुत सारी कंप्लेंट होती है, वो सब लेके मेरे पास लोग आने लगे, लेडीज आने लगी, और वो इमोशनली वो कनेक्ट कर गया लोगों से। और वो एक वीडियो मेरा इतना चला, वो नंबर ऑफ व्यूज कितने हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, जितने लोगों ने देखा, मैक्सिमम लोग मेरे को कांटेक्ट करके, तो अभी 4 प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ पब्लिक स्पीकिंग के, अभी विलेजेस में, तालुका प्लेसेस में। पहले पहले तो टीचर्स लोग मुझे पहले मैं उनको बोलना पड़ता था मुझे कि मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। अभी लोग मुझे बुलाते हैं कि आप आइए, प्रेजेंट करिए, बोलिए, लोगों को जरूरत है। तो ये जर्नी, उसके लिए मैं देव सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने पहले कैमरे के सामने बोलने के लिए, जो फेसबुक लाइव के लिए सर ने खड़ा किया ना, तो मेरा वॉइस भी उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जो कुछ भी लिप सिंग हो रहा था वही रिकॉर्ड हुआ, लेकिन मैंने डिलीट नहीं किया, वो वैसे के वैसे जाने जाने दिया दिया। तो वेरी गुड वेरी गुड जो मन में डर था ना बहुत सारी चीजों का, वो मैंने निकाल दिया है। अब मेरी कोई भी चीज जो पता है मेरे पास है, वो बेचने के लिए, देने के लिए, वो मैं अभी झिझकता नहीं। और दूसरी चीज, सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र बताया था कि मनी इज स्पिरिचुअल, वो मेरे को बहुत टच कर गया। पहले मैं कंसल्टिंग लेने के लिए, फीस लेने के लिए मुझे ऐसे शर्म आती थी, मैं
मन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, मैं बहुत 10 साल पेशेंट से मैंने बहुत बार कंसल्टिंग भी नहीं लिया, या बहुत बार बहुत सारी प्रोसीजर्स फ्री कर दिया करता था। अभी उस सब का मुझे इम्पोर्टेंस पता चला, वो एक एनर्जी है, जैसे फैमिली के लेवल पे एनर्जी है, सोशल एनर्जी है, वैसे वो फाइनेंशियल एनर्जी है। और वो एनर्जी को एक्सेप्ट करना, वेलकम करना जरूरी है, और वो मैंने एक्सेप्ट करना, वेलकम करना शुरू कर दिया और गंगा बहना शुरू हो गई। वेरी यस, गुड, अब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अबंडेंस अपनी तरफ. वेरी गुड वो अभी एक उसके फैंटास्टिक. लिए एक एफर्मेशन में यूज करता हूँ। मेरे बच्चों को भी मैंने वो पढ़ाया है और वो इतना सुंदर है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई रेडिएट एंड अट्रैक्ट अबंडेंस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी वेर एवर आई गो। वो बहुत वाह, एनर्जी देता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, यू नो, फैंटास्टिक इन द वे. अगेन, यू नो, यू विनिंग, बेसिकली यू आर विनिंग एंड यू नो इंश्योरिंग योर माइंडसेट इज शिफ्टिंग फॉर द बेटर. सो यस, कैन यू शेयर अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ अ बैंग दैट यू अचीव्ड एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग दिस जर्नी? यस, देयर आर सो मेनी बैंक, एक एक बताता हूँ। हाँ, मे पहले बी हाँ समथिंग विच इज लाइक वेरी हाँ प्रोमिनेंट यस वन, कि जब वो हुआ तो यस यू वर लाइक वाओ दिस इज समथिंग डिफरेंट. एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट का खून निकालते हैं जॉइंट्स में, जब पेन हो या सूजन हो, और ऐसे 5 5 6 6 साल पेशेंट पेन किलर्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स की गोलियां लेते हैं। तो मैं तो ये पहले भी करता था, पेशेंट को लीच थेरेपी करता था। और लीच के लिए ऐसे तो लीच क्या कहीं भी जंगल में जाओ तो मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और ज्यादा मैं उसके पैसे भी नहीं लेता था और मन में वो माइंडसेट भी नहीं था। तो वो जब सब इतने दिन सुन सुन के मेरा दिमाग भी तैयार हो गया था, ये लीच के पैसे नहीं है, यहाँ वो ट्रीटमेंट, ये एग्जैक्टली ये करना है और इससे ये रिजल्ट पाना है, और ये मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मैं श्योर शॉट हूँ। तो पेशेंट को क्यों ना पहले बताए कि ये ऐसा ऐसा है और उसके लिए इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो दिमाग का पैसा है, आपको रिजल्ट आएगा और रिजल्ट का पैसा है। तो मैंने वो प्रोडक्ट बेचना शुरू बंद कर दिया और वैल्यू जब ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, तो पहले एक लीज के मुझे 10,000 रुपये मिले एक लीज करने के। उसके लिए 1 1.5 घंटा लगता है, एक बार लीज लगाया तो बाद में मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, स्टाफ पहले नहीं था, अकेला करता था, अब 4 5 लोग हैं इसलिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। अभी मैं बोल रहा हूँ लेकिन क्लिनिक में काम शुरू है। तो एक छोटी सी थेरेपी जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, 6 6 साल से जो स्टेरॉइड्स खाते हैं लोग, उनका अगर तो स्टेरॉइड छूट रहा है तो ये 10,000 का उनके लिए कुछ नहीं है, वो आराम से पे करते हैं। अभी मैंने एक 4 5 महीने में जो कुछ भी फीस मेरी इंक्रीज की है, कंसल्टिंग बढ़ाया है, किसी भी एक भी आदमी ने मुझे कंप्लेन नहीं किया कि आपका ये महंगा है, ये कॉस्टली है। और सचमुच में ये कॉस्टली नहीं है, लेकिन मेरे मन में ही ऐसा था कि उसके 400 रुपये लूँ या 500 रुपये लूँ या 1,000 रुपये लूँ, उसके आगे जाता नहीं था। वो क्या बोलते हैं मराठी में एक कहावत है, सरडेची धाव कुंपणा पर्यंत, सरडा जो रंग बदलता है ना उसको क्या बोलता है पता नहीं, उसको हाँ गिरगिट. गिरगिट, वो एक लिमिट तक जाके उसके आगे नहीं जाता। तो मैं 400 500 600 1,000 रुपए के ऊपर जाने की मेरी ताकत ही नहीं थी, जब उसके 10 टाइम्स मैंने बढ़ा दिया। और वो पेशेंट पे करते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, और सिर्फ लीज थेरेपी का नहीं, अग्निकर्मा प्रोसीजर है, बहुत सारे गांठ होते हैं शरीर पे, वो मैं जलाने का काम करता हूँ बिना विदाउट पेन किलर या विदाउट कोई एनेस्थेसिया, वो मैं कर देता हूँ। और आयुर्वेद के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, पंचकर्म, वमन, विरेचन, बस्ती, वो बॉडी टॉक्सिक जो शरीर में होते हैं टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन्स निकालने का डिटॉक्सिफिकेशन का एक अच्छा जरिया है। और आयुर्वेद के पास इतनी ताकत है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए वैद्यों को मुझे तैयार करना है कि अरे आयुर्वेद ऐसे सिर्फ जंगल में पेड़ के नीचे वो जड़ी बूटी लेके मत बैठना, आयुर्वेद को अच्छा प्रेजेंट करना है। हाँ वेरी गुड, बिकॉज जैसे गुरुदेव कहते हैं एक लेगेसी क्रिएट करना, तो आई एम श्योर आप उस राह पे ऑलरेडी चल पड़े हैं जहां पे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं ना, उनको पेन रिलीव करके, बट एक्चुअली में उनका कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस आप बचा रहे हैं और आगे उनके साइड इफेक्ट्स बचा रहे हैं.
तो कोई एक खास ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें जिससे कि आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पे भी एक असर पड़ा कि अरे मैंने ये बिजनेस किया, जो भी कोई बैंग है, एंड देन यू फेल्ट ओ माय गॉड दिस रियली इम्पैक्टेड माय प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। जैसे अभी आपने कहा कि हाँ 400-500 से ऊपर भी आप नहीं जा रहे थे और हाँ 10,000 रुपए भी लेते हुए झिझकते नहीं है, राइट? तो व्हाट वॉज दैट मोमेंट एक दैट बड़ा बैंक बताता हूँ कि जी 10 साल पहले मेरा पूरा महीने का कलेक्शन 25,000 से ऊपर नहीं जाता था। 25,000, वो भी वो एक बार ट्रैक किया था इसलिए वो पता है। जब मेरा वन ऑन वन कॉल हो गया धर्मेंद्र कुमार सर के साथ, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि आपको ये सब ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। तो मैं शुरू किया वो, और एक दिन का मैंने ट्रैक रखा। तो एक दिन तो मैंने बैंक बैंक उसमें डिक्लेयर किया भी है, एक दिन का 48,000 निकला। फोर्टी एट वाह थाउजेंड बहुत, और ऐसे 50-100 पेशेंट की बिल्कुल नहीं, 5-6 पेशेंट की एंट्री है बस। और उसका हर एक का एंट्री वो मैंने शेयर किया है स्क्रीनशॉट लेके। तो वो वाह सब 10,000 15,000 आराम से पेशेंट देते हैं। और जो बहुत सारे पेशेंट ऐसे कि ये महंगा ऐसे कुछ बोलते हैं, तो मेरा मैसेज यूनिवर्स में जाना चाहिए कि ये वैद्य जी है, ये ऐसे सिंपल वाला वैद्य नहीं है। वो पैसे भी तगड़े लेता है और रिजल्ट भी जबरदस्त देता है। और जिस एग्जैक्टली चीज में मैं अच्छा रिजल्ट देता हूँ वही पेशेंट में करता हूँ। और अभी मुझे ना बोलने की आदत भी हो गई है, आपका ये काम मेरे से नहीं होगा, आपके लिए चिकित्सा दूसरी करनी पड़ेगी, वो दूसरी जगह पे करिए, मेरा टाइम मत खाइए, मैं आपकी चिकित्सा नहीं कर सकता, ये मैं अभी बोलता हूँ। वाह, क्लैरिटी इतनी क्लैरिटी, एक पावर से नो भी कहना आना चाहिए, एंड वो यस हमने डेफिनेटली यहाँ सीखा है। एंड आई एम सो ग्लैड कि अब जिस भी लेवल पे आप खेल रहे थे पहले, वो लेवल से कहीं आगे आ चुके हैं, जहाँ पे पावरफुली रिसीव भी कर रहे हैं, पावरफुली शेयर भी कर रहे हैं, वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं, और ऑल्सो आपके अगर टारगेट ऑडियंस नहीं है तो उनको आप सिंपली जाने, अट्रैक्ट कर रहे हैं। विच इज वेरी हाँ गुड, वेरी गुड। सो जैसे कि आपको पता है, वी ऑलवेज एम टू एक्सीड दी एक्सपेक्टेशंस, राइट? तो आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज या बिगेस्ट बेनिफिट क्या था फ्रॉम ज्वाइनिंग द पैशनप्रेन्योर मेंटरशिप? यू नो, आपको पता है हम बहुत सरप्राइजेस ऐड करते हैं, तो व्हाट वाज बिगेस्ट थिंग कि अरे मैंने तो सोचा था मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं, बट मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे ये भी मिल जाएगा, ऐसा क्या मोमेंट है? जो कुछ भी अभी मुझे मिल रहा है ना, वो सब सरप्राइज ही है। क्योंकि अगर आप ये जो मैंने पहले ये जो सूट पहना है ना, ये लाइफ में शादी में भी नहीं मैंने लिया था, ऐसा मैं आदमी हूँ कि मुझे पैसे नहीं थे ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके लिए भी अच्छे कपड़े पहनने का माइंडसेट चाहिए। अभी सिंपल आदमी एक सिंपल पैंट शर्ट डाल के कहीं भी जाओ, लोग किसी लोगों को लगेगा भी नहीं ये डॉक्टर है। लेकिन अभी मैं गाड़ी लेके जाता हूँ तो आपके बारे में रिस्पेक्ट पैदा हो, आपका रहन सहन सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वो दिमाग में रखे हुए। पर्सनली लोग देखते हैं और वो मेंटेन करना हर एक का काम है। आपके जेब में पैसे कम है या ज्यादा है बिल्कुल मायने नहीं रखता, आपके दिमाग में सब अच्छा होना चाहिए। ब्यूटिफुल, और आपकी परसीव्ड वैल्यू, आपका पर्सनल ब्रांड। तो अभी मैं समझ सकती हूँ जिस तरीके से आपने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया है और काम किया है, कि पहले वही वैद्य की हमारी हमारे पास में सिद्धि थी, राइट? वही हम काम कर रहे थे, बट वही काम अगर अभी भी हम कर रहे हैं, बट द परफेक्ट वे आपने अपना पर्सनल ब्रांड को ग्रो किया, ताकि लोगों को भी जब वो पैसे भी देते हैं, वो परसीव्ड वैल्यू आपकी एक अलग ही दिखती है कि नहीं ये नॉर्मल वैद्य नहीं है, राइट? सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रोफाउंड। तो अभी तक की आपकी जो जर्नी, ऑफ कोर्स आपने कहा पैशन प्रेन्योर मास्टरमाइंड में भी थे और अभी आप इनर सर्कल में भी आ गए हैं, तो अभी तक आपकी जर्नी क्या रही? और इनर सर्कल में भी, ऑफ कोर्स आप अभी लेटेस्ट ही आए हैं, बट जो भी आपकी आपका एहसास है इस जर्नी का, यू कैन शेयर दैट विद अस। 1-2 साल पहले मुझे जो मन में लगता था कि ये लोग बड़े पैसे कमाने वाले, वो क्या सोचते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, वो मुझे कैसे पता चलेगा। वो किसी मीटिंग में जाके बैठने के लिए कोई डील हो रहा है या कोई भी संभाषण हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। मेरा पहला बुक है रिच डैड पुअर डैड, वो मैंने 2 साल पहले पढ़ा, इतना लेट पढ़ा। मेरी अभी एज मेरी 39 है और एट द एज ऑफ 37 मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा था।
तो रॉबर्ट कियोसाकी जब मैं पढ़ रहा था तो वो छोटा जो बच्चा है वो कैसे उसके पिताजी जो रिच डैड है उनके कॉन्वर्सेशंस ऑफिस में देखता था, वो मैं कहाँ देखू, कहाँ बैठू, कहाँ पढ़ू, ये सब उसके मेरे दिमाग में था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि जो बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग सीख रहे हैं, वो सब उस एनवायरमेंट में मुझे जाके बैठना है, सुनना है, तो ही मेरा थॉट प्रोसेस अच्छा होगा। और वो अच्छा करने के लिए मैं पीपीआईसी में आया हूँ। और जो कुछ भी मैंने 5-6 महीने में पैसे कमाए ना, वो सब मैंने इन्वेस्ट किए सीखने के लिए, क्लिनिक में, यहाँ वहाँ, कुछ भी पास में नहीं रखा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि इतने पैसे तो कमा रहा हूँ, पैसों की क्या चिंता, मेरे दिमाग में अभी पैसों की चिंता ही मेरी वो अपने आप आते हैं। वेरी प्रोफाउंड कि जो ये इन्वेस्टमेंट मैंने अपने अंदर कर दी है, इसका हाँ रिटर्न तो मुझे आना ही आना है, उसकी कोई मुझे फिक्र नहीं है. पर मैं आई एम नॉट लुकिंग एट द स्मॉल मनी, आई एम यस लुकिंग एट द बिग फॉर्च्यून, सो विच इज यस वेरी गुड. एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ योर वे ऑफ थिंकिंग एंड द वे यू हैव बिन शोइंग अप एंड पार्टिसिपेटिंग, एज वेल एज वी आर प्राउड ऑफ आवर यूनिक अप्रोच. जो हमारी एक अप्रोच है इस पूरे प्रोग्राम की, जो आपने देखी होगी, यू नो, फ्रॉम फ्रॉम द फर्स्ट सेशन टू यू नो टूडे इनर सर्कल, वॉट डू यू थिंक, यू नो, इवन दो आई एम नॉट श्योर आपने कितने रिसोर्सेज अभी तक कुछ ट्राई किए हैं लाइफ में, बट आपको क्या लगता है पैशन प्रेन्योर मेंटरशिप कैसे डिफरेंट या बेटर है बाकी के रिसोर्सेज से जो आपने कभी ट्राई किए होंगे? रिसोर्सेस तो कोई ट्राई नहीं किए, लेकिन ये जो कोरोना पीरियड था ना, उस टाइम लोगों को बहुत टाइम था, ज्यादा ओपिडी नहीं थी, तो बहुत सारे घंटों मैंने यूट्यूब पे अलग अलग लोगों के वीडियोस देखते हुए गवाए, और गवाए नहीं, उसमें भी एक माइंडसेट होता गया। इसलिए तो ऐसा कोई अच्छा ऐड देख के वो क्लिक करने का मन में आया, क्योंकि पहले कुछ ना कुछ अंदर चल रहा था। तो मुझे एक उसमें बात बहुत अच्छी लगी, कैसे इधर उधर के वीडियो देखे तो कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला, एक गुरु के पास बैठे, आयुर्वेद में भी वैसा है, एक गुरु के पास बैठ के 3-4-5 साल तक वहां पढ़ाई करो, पूरा ज्ञान लो, उसको अप्लाई करो, तो ही जाके पेशेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस से जाके, कोई भी स्टेज में वैसा ही है। तो इधर उधर के वीडियो देखे कुछ नहीं होने वाला, एक मेंटरशिप जो है उसके लिए मेंटर चाहिए, वो मेंटी बन के सरेंडर हो जाओ पे और वो फॉलो करो, वही तो मैं कर रहा हूँ। और श्रद्धा चाहिए उसके लिए, हमारे एक सर बोलते थे कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो वो श्रद्धा होनी चाहिए अंदर अपने गुरु के प्रति। और अभी ये सब आधुनिक जो विषय है मॉडर्न, उसमें अभी हमारे गुरु अब गुरुदेव है, मेंटर है, अभी पहले धर्मेंद्र कुमार सर थे, अभी मेगा मैडम है। मेगा मैडम ने तो अभी 1 करोड़ का 1 साल का टारगेट दिया है कि 1 साल में आपको 1 करोड़ बनाने में कोई भी कठिनाइयां नहीं आनी चाहिए, पूरा फ्रेमवर्क बना के आपको करना है, और मैं वो जरूर करूंगा। और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अलग अलग टारगेट उन्होंने रखे। धर्मेंद्र कुमार सर ने भी मुझे स्टेप बाय स्टेप टारगेट दिए, और वो टारगेट के ऊपर मैं चलता गया और वो अचीव हो रहा है। थैंक यू। ब्यूटिफुल, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, और यस उनको आप जैसे पहले आपने अपना फाउंडेशन पहला अपना स्ट्रॉन्ग किया, अब हम उसके ऊपर एक बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, एम्पायर बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको एक अलग लेवल का नॉलेज लगेगा, अलग लेवल के टारगेट्स और गोल्स लगेंगे, जो कि आप ऑलरेडी आई कैन सी दैट यू आर सो ऑलरेडी इन दैट स्पेस कि हाँ आई विल डू इट, मुझे तो करना है, यस राइट? सर, दिस इज ब्यूटिफुल. सो इवन दो आई वुड से मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर मालूम है, बट फिर भी मैं जानना चाहूंगी, वुड यू रेकमेंड पैशन प्रेन्योर मेंटरशिप टू अदर्स? अगर हाँ, इसका जवाब हाँ है, तो उनको क्या कहना चाहोगे, क्यों रेकमेंड करोगे? आई वुड हाईली रिकमेंड, क्योंकि बहुत सारे जो वीडियो हम अलग अलग गुरुओं के, महागुरुओं के, फॉरेनर्स लोगों के जो हम देखते हैं, तो पहली चीज वो हमें से कनेक्ट करने के लिए कोई थोड़ा दूर लगता है। अभी जो एक इंडियन वे में वह सब श्रद्धा, सबूरी, ग्रेटिट्यूड, सब जो कुछ है वो जो देव सर के स्पीच में है ना, वो कनेक्ट करता है। और जैसे कोई फिल्म देखनी है,
तो मैं जाके कोई फॉरेन वाली इंग्लिश फिल्म नहीं देखता मूवी, अभी देखने लगा हूँ, लेकिन पहले इंग्लिश सुनने के लिए मैं क्या करता था, इंडियन मूवी देखता था। जो इंडियन मूवी वो अच्छी समझ आती है, दिल्ली का नोएडा का हो तो इंग्लिश अच्छा लगता है। तो इंडियन वे में जो सर बताते हैं ना, सिखाते हैं ना, वो जरूरी है। वो सर हिंदी भी बोले तो भी बहुत अच्छा लगता है, और इंग्लिश सर का समझता है, वो समझना जरूरी है। ज्ञान कितना भी बड़ा हो, अगर दिमाग में, अंदर में, दिल तक, दिमाग तक नहीं गया तो क्या फायदा उसका। वो सर अंदर तक पहुंचाते हैं, और वो इंडियन वे में अंदर तक पहुंचाते हैं, इसलिए मुझे वो सर का और एक आपको क्या सेशन लगता अच्छा है लगता है। कि जब जब आप किसी को ये रेकमेंड करेंगे प्रोग्राम, तो आप उन्हें क्या कह सकते हैं, उनको जिंदगी में क्या हासिल होगा? जैसे आपको आपका ऑब्जेक्टिव दिखा क्लियर और आप उनपे खरे उतरे, बट कोई भी इंसान जो पहली बार देख रहा है गुरुदेव को और प्रोग्राम के बारे में समझ रहा है, तो उनको उनको क्या आप कहना चाहोगे कि क्यों आना चाहिए उनको इस प्रोग्राम में, क्या हासिल करेंगे वो? अगर माइंडसेट अच्छा करना है और मन की ट्रीटमेंट आपकी करनी है ना, तो सर बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। अगर वो ट्रीटमेंट करनी है और आपको ग्रो करना है, तो पैशन प्रीमियर का, पीपीएमएम का जो जो जर्नी है वो लोगों को करना चाहिए। और वो सिर्फ अटेंड करके तो नहीं होगा, कुछ एक्शन लेने का जिनके मन में इरादा है, हौसले बुलंद है, उनको सर का प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। और उसके बिल्कुल, लिए कह सकते हैं पहले माइंड के वैद्य अगर माइंड के वैद्य जाना है, है माइंड के तो ओके वैद्य है। गुड, सो ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू। अगर आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना हो कि मेरा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कुछ 2 लाइन 3 लाइन में कहना चाहोगे, तो कैसे बताओगे लोगों को कि दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड? एक गरीब गांव का एक सिंपल वैद्य अभी कुछ अच्छा करने जा रहा है, अच्छा कर रहा है, और आगे बहुत बड़ा अच्छा करेगा, ये विश्वास मेरे मन में पैदा हो रहा है। यही मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसके लिए मैं देव सर को और सब मेंटर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी एक बुक भी मैंने मराठी में लिखी है, उसका अगस्त में पीपीएम कनेक्ट में उसका प्रकाशन होगा। इंग्लिश बुक भी है और मराठी बुक भी है, तो वो दोनों बुक मेनोपॉज के ऊपर ही है, जनिष के ऊपर। और मराठी में तिला जपताना, जो मेरी माँ को तकलीफ हुई वो मेरी बीवी को ना हो, मेरे किसी भी भाई बहनों को ना हो, तो उसके लिए एक वैद्य का कर्तव्य क्या बनता है कि उनको अच्छा सही मार्गदर्शन हो, उनको अवेयरनेस पैदा करे, उनको एजुकेट करे, तो बहुत सारी तकलीफें उनकी दूर हो सकती है। बुक पढ़ने के बाद एटलीस्ट वो वैद्य को जाके वो मिले, तो अवेयरनेस पैदा करना जरूरी है। उसके लिए मराठी बुक तिला जपताना, एंड इंग्लिश बुक जो है वो नेचर्स पॉज करके मैंने बुक लिखी है। और सर का जो सेशन है ना, हाउ टू राइट बुक, वो इतना जबरदस्त पैसा वसूल सेशन है, वो एक वसूल पे पूरे 4 लाख 8 लाख सब कुछ है, वो सब पूरे वसूल हो गए वो ब्यूटीफुल बुक, हाउ टू राइट बुक। और तो मेरे मन में नहीं था कि मैं कभी मेरे जिंदगी में बुक लिखूंगा, अभी 2 बुक्स कंप्लीट है और अभी वो प्रकाशन उनका होने जा रहा है, कवर पेज रेडी है, और जबरदस्त वो जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त। एंड जैसा आपने ऑलरेडी अपना फ्यूचर भी डिक्लेयर किया, बट हम थैंक बहुत एक्साइटेड हैं आपके फ्यूचर के लिए। सो यू। अभी नेक्स्ट गोल क्या है आपका, और वो कैसे अलाइन होता है पास्टर, जो पैशन प्रणय मास्टर माइंड में जो आपने सीखा है उसे कैसे अलाइन होता है जो आपका नेक्स्ट बिग गोल है? बहुत बिग बड़ा गोल है ना, वो अभी जो गांव में प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो सिर्फ गांव के लिए सीमित ना हो, यहाँ सब बहुत बड़ा राज पैदा करे, और वो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेने के लिए अलग अलग देशों से मेरे यहाँ पेशेंट आएंगे। और वो मैनिफेस्टेशन है कि मैं उठ के कई ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं जाने वाला, लोग आएंगे और वो जरूर आएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी का ऐसा मैनिफेस्टेशन जबरदस्त है, वो संकल्पात सिद्धि ऐसा बोलते हैं, तुम्हें कहीं जाके घूमने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ढूंढते हुए लोग आएंगे। उसके लिए तुम्हारी तपश्चर्या बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, और
फोकस्ड रहो, वो हमारे पिताजी भी बोलते हैं, और वैसा मैंने 10-12 साल किया है और उसका अच्छा फायदा भी मुझे हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि ये सिर्फ इंडिया के लिए सिर्फ इतना रह के, वो अलग अलग देशों से पेशेंट आएंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन करेंगे, ट्रीटमेंट लेने के लिए आएंगे। और मेरा एमडी भी वैसे पुणे में हुआ, जहाँ मैं पीजी में हुआ, वह फॉरेन से पेशेंट आते थे, आते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वगैरह, तो उसका एक्सपोजर मुझे पहले से है। लेकिन एक गांव में एक वैद्य क्या कर सकता है, वही दिमाग में रख के मैंने वो सब दिमाग में से छोड़ दिया था। उसका एक्सपोजर और कॉन्टैक्ट मेरे साथ बहुत है, इसलिए वो फिर सर को मिलने के बाद ऑनलाइन वो अंदर जो था ना, जब मैं सीख रहा था, वो सब बाहर आने लगा है। और मैं ऐसे डिक्लेयर भी कर रहा, क्यों कर रहा, मेरे यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट आएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, अगर मैं यूनिवर्स में अच्छा मैसेज छोड़ू तो वो होगा। और वो कॉन्फिडेंस सर ने दिया है, और उसके लिए मैं सर का बहुत आभारी हूँ। तथास्तु थैंक तथास्तु यू, थैंक यू, एंड थैंक डेफिनेटली डॉक्टर समीर, वैद्य समीर परांजपे यू, जी, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आप एक मिशन पे निकल पड़े हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति जो कि कहीं लॉन्ग लॉस्ट हो चुकी है, लोग नहीं जानते हैं, आप उसको उजागर कर रहे हैं, लोगों तक ला के उनको उनके पेन से उनको छुटकारा दिला रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही नोबल कॉज है। एंड जैसा आपने डिक्लेयर किया है और जैसा कि हमारे गुरुदेव हमें सिखाते हैं, लेगेसी बड़ा छोड़ो। सोचो, हाँ, लेगेसी छोड़ो। बिल्कुल, तो रत्नागिरी के वैद्य जो हैं वो सबसे ज्यादा आई एम श्योर विश्व प्रसिद्ध होने की ऑलरेडी राह पे निकल चुके हैं। एंड वी आर रियली रियली हैप्पी अबाउट यू एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड वी रियली होप दैट इन कमिंग टाइम यू आर गोइंग टू मेक इंडिया प्राउड, मेक आवर गुरुदेव एंड द कम्युनिटी एंड द मेंटर्स प्राउड, योर फैमिली प्राउड, एंड दैट इज डेफिनेटली हैपनिंग वेरी सून। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक एंड यू, थैंक यू, वी थैंक यू, रियली लव टू सी यू क्रिएटिंग ग्रेट 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 माइल स्टोन्स इन योर जर्नी। थैंक यू थैंक सो यू, मच थैंक्स, थैंक फॉर यू मैम, दिस कमिंग हियर एंड माय फॉर प्लेजर, शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू।